नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली के मंच से पलवल जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें प्रमुख कुंडली मानेसर पलवल में दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस के साथ करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से सर्विस लेन बनाने, 45 करोड़ रुपए की लागत से पलवल जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों को की लोक निर्माण विभाग की सड़कों का निर्माण, 12 करोड़ रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड की 8 सड़कों का निर्माण, 7.5 करोड़ रुपए की लागत से पलवल शहर में पक्का होने वाला रजबाहा, 5 करोड़ रुपए की लागत से हतीन बामनीखेड़ा की माइनर हतीन शहर में 1 करोड़ की राशि से बनने वाला मिनी खेल स्टेडियम, होटल के खामी गांव में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली PHC, पलवल फरीदाबाद की सीमा पर सिकरी गांव में बनने वाला पशु विज्ञान केंद्र शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने विधायकों की ओर से रखी गई विभिन्न मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। हमने इस वर्ष को 2020 को ये घोषणा की है कि ये सुशासन का संकल्प वर्ष होगा। अच्छा शासन कैसे दे सकते हैं, हमने संकल्प लिया है, बहुत सी व्यवस्थाएं हम खड़ी करेंगे। हमने इसके लिए जैसा सामाजिक सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ा काम है, अर्थात लोगों को राहत इतनी दी जाए कि उनका आगे का भविष्य भी सुखी हो जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हर परिवार को, जो गरीब परिवार है उसको 6,000 रुपया साल की एक किस्त देनी शुरू की, हर 4 महीने बाद 2,000 रुपया मिलेगा और वो खाते में जाना शुरू हुआ, किसानों के खाते में भी जाना शुरू हुआ। इसके बाद हमने विचार किया, किसान तो है ही है, इनके साथ मजदूर भी है, इनके साथ छोटा व्यापारी भी है, तो ऐसा परिवार जिसकी आमदन 1,80,000 रुपए से कम है उसको हम भी 6,000 रुपए की योजनाओं का लाभ देंगे, अलग से देंगे। और इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आज के समय में लगभग 7,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 31 मार्च तक हमने तय किया सबका रजिस्ट्रेशन करा करके, और जो उसमें पात्र लोग हैं 1,80,000 से आमदन से कम के, उनको 6,000 रुपए का लाभ सबको दिलाएंगे। जिसकी जो किस्तें बाकी होती हैं लोग नहीं भर सकते हैं, मानो स्वास्थ्य योजना की किस्त है, पेंशन की किस्त है, या कहीं फसल बीमा योजना में भी कुछ लोग नहीं भर पा रहे हैं उनकी किस्तें हैं, तो ये सारी योजनाएं उसके अंदर से पूरी की जाए। बहुत सी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की आती हैं, लेकिन हम उसका लाभ इसलिए नहीं उठा सकते, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है। हमने कहा आपके पास पैसा नहीं तो हम पैसा देंगे ताकि इन योजनाओं का लाभ मिल जाए। हर आदमी जो बुजुर्ग हो जाए 60 साल के बाद, उसको पेंशन 3,000 रुपए की मिलनी शुरू हो जाए, इसकी किस्त हम देंगे, हम देंगे इसकी किस्त। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी माताएं बहनें धुएं के कारण से उनकी आंखें खराब होती हैं, बीमारियां लगती हैं, घर के अंदर चूल्हा जलाती हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं, स्टोव जलाती हैं, लकड़ी से काम करती हैं, कोयले से भट्टी जलाती हैं, उनका ये करने की जरूरत नहीं है। हर घर में गैस का सिलेंडर होना चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर हमने 9,00,000 सिलेंडर घरों में पहुँचाए हैं। आज हरियाणा का कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर ना हो, एक भी घर ऐसा नहीं। और मैं इतनी भरी सभा में कहता हूँ कि अगर एक भी बहन हमारे भाई कोई कह दे हमारे घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, अभी सभा के बाद यहाँ आ जाना, हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ है, व्यवस्था करेंगे, नाम लिखवा दो, 48 घंटे के अंदर उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचेगा, 48 घंटे में पहुंचेगा। इसी प्रकार का एक संकल्प और ले लिया हमने, पीने के पानी की व्यवस्था। हमारा हर विधायक कहता है कि पीने का पानी इस गांव में नहीं है, उस गांव में नहीं है। आज भी कुछ गांव के लिए पीने के पानी का 2 प्रकल्प यहाँ उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास किए हैं उनके, आज भी किए हैं, लेकिन 2022 तक ये तय किया है आने वाले 2 साल में प्रदेश के हर घर की रसोई में साफ पानी का नल, नल से जल, ये योजना लागू करके कोई घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस घर में पानी साफ ना हो, कोई घर नहीं छोड़ेंगे। हमने आते ही विधायकों को
ये कहा कि छोटे मोटे काम आपके कुछ पेंडिंग हो, नए नए विधायक बन के आए, उन्होंने आते कहा कि अच्छा भी 5 करोड़ रुपए का पहले दिन, और देखिए पहले दिन हमने बिना भेदभाव के, नहीं तो लोग आते हैं कहते अच्छा जो बीजेपी के एमएलए हैं वो खड़े हो जाओ उनको 5-5 करोड़ दे दो, हमने कहा नहीं, जिन लोगों ने चुनको भेजा विधायकों को, चाहे वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी और पार्टी के हैं, हमने विधानसभा में खड़े होकर के हरेक को 5-5 करोड़ रुपए पहली बार दे दिए, दिए कि नहीं दिए, दिए ना, सारे विधायक बैठे सब हल्कों में 5-5 करोड़, हालांकि इन्होंने मांगे नहीं, बिना मांगे दिए, हम चाहते थे मांग करके कोई ले तो क्या दिया, बिना मांगे भी हमको जरूरत महसूस होती है, सब कुछ देते चले जाएंगे। आज भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो सारे प्रदेश में हम कर रहे हैं, कभी तो मांग करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस नाते से भाइयों बहनों, अब आजकल इस अगले वर्ष का नया बजट बन रहा है, बात आई कृष्णपाल जी ने कहा कि जब पैसा हो तब काम कर देना, आदरणीय कृष्णपाल जी मैं घोषणा करता हूं आप काम बताते जाओ और काम हम कराते जाएंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई पैसे की कमी नहीं है। पिछले पांच साल में इस जिले की तीनों विधानसभाओं ने, मैं जब जब भी यहां आया तो लोगों ने अपने कुछ डिमांड रखी, 240 मांगे इन तीन विधानसभाओं के मेरे सामने आई थी, 240 में से 208 काम ऐसे हैं या तो पूरे हो गए हैं और या उन पर अब काम चल रहा है, केवल 26 काम बचे हैं, कहीं जमीन का झगड़ा है, कहीं कोई और छोटी मोटी विवाद आया है, वरना वो भी हो जाते हैं, हमारी तरफ से कमी नहीं है। और इसके ऊपर 5 साल में कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, 1100 करोड़ रुपए, और उस 1100 करोड़ में भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ यहाँ सड़कों पर कुल मिलाकर 501 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तीन विधानसभा में, 501 करोड़ रुपया, जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी की भी सड़कें और मार्केटिंग बोर्ड की भी सड़कें, इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में भी 128 करोड़ रुपया आया गया है, 128, ये तो विकास के काम है। मुझे याद है कि जब शुरू में आए थे, आते ही पहले साल भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी, ओले पड़ गए थे और उसके बाद लोगों की फसल खराब हुई किसानों की, हमने कहा कि हम 1 महीने के अंदर मुआवजा देंगे, और आप लोगों को जानकारी है पलवल जिले में नुकसान होने के बाद सबसे ज्यादा किसी एक जिले में मुआवजा आया था तो पलवल जिले में आया, 200 करोड़ रुपए एक जिले में आया था, और यह है 2015 की बात, मई 2015 में। आज भी कोई भी काम आपने बताए हैं उन कामों के नाते तो मैंने सारे विषय आपको बताने ही हैं, लेकिन हमने जो और नए काम किए हैं संक्षेप में आपको बताता हूं। गांव की समस्या लाल डोरे की एक बड़ी समस्या है, लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्री होती नहीं, लाल डोरे के बाहर मकान बना नहीं सकते, हमने कहा यह ठीक नहीं है, आज लाल डोरा की व्यवस्था पुरानी हो गई अंग्रेजों के टाइम की, हमने लाल डोरा को हटा करके एक नई अथॉरिटी बना दी है, जैसे शहरों में अथॉरिटी होती है गांव में भी होती है, कि अब गांव में भी अगर खेतों का जगह हमने मकान बनाने हैं तो जितने किले मकान के लिए छोड़ने हैं उतने वो बता देंगे कि हाँ इसके अंदर गाँव के लोग अपना मकान बना सकते हैं, लाल डोरा खत्म, हरे गाँव के अंदर रजिस्ट्रियां होंगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ेंगे, हम अपने गाँव की रजिस्ट्री अपने हाथ में रख के जाके बैंक से लोन लेना तो ले सकते हैं, हम बेचना हो बेच सकते हैं, उसकी कीमत भी बढ़ गई है, वरना गांव के अंदर पंचायत के अंदर किसी को पता ही नहीं होता था, झगड़े आपस में खूब होते थे, अब वो सब झगड़ों को खत्म करके इस काम को शुरू कर दिया है। करनाल में एक गांव का लाल डोरा हमने खत्म कर दिया, सिरसी गांव में, आने वाले समय में हर एक गाँव का लाल डोरा हम खत्म कर देंगे, एक बहुत बड़ी सुविधा के गाँव के लोगों को हो जाएगी। हमने मंडियों में मिलों में जो शुगर मिले हैं उनमें किसानों के लिए, क्योंकि किसान वहां जाता दिन भर खड़ा रहता है, वहां खाने पीने की व्यवस्था होती नहीं है, ढाबे होटल वाले अपने ढंग से और लूट माचार भी करते होंगे, ज्यादा पैसा भी खाते होंगे, पता नहीं कोई घर से खाना ले जाने ले जाए, हमने कहा नहीं, सस्ती कैंटीन किसानों के मजदूरों के खाने के लिए सिर्फ 10 रुपए का खाना, चाहे वो शुगर मिले अपनी शुगर मिले हैं और चाहे अनाज मंडियां हैं, हर एक के अंदर इसको स्थापित करने जा रहे हैं, एक 25 के लगभग स्थापित हो चुकी है, बाकी हर एक जगह अगले वर्ष के अंदर ये स्थापित हो जाएंगी। इसी प्रकार
तालाब, हमारे जितने भी तालाब हैं उन सब तालाबों को, हरियाणा में 14,000 तालाब हैं, उनको ठीक करने के लिए भी हमने 5 विभागों को मिला करके एक तालाब अथॉरिटी बना दिया हरियाणा की, तालाब प्राधिकरण, ताकि उन सब का, चाहे वो ग्राम विकास का मामला हो, चाहे नहरी का काम हो, चाहे पब्लिक हेल्थ का काम हो, और चाहे सिंचाई विभाग का काम हो, पावर डिपार्टमेंट का हो, ये सब मिल करके उस तालाब को सुंदर बनाएंगे, ताकि साफ पानी उसमें जाए, अपने पशुओं के पीने के लिए फिर से काम आना शुरू हो जाए। आज तालाब गंदे हैं सब जगह, उनकी व्यवस्था ठीक हो, पानी का ओवर फ्लो है तो उसको पानी को निकाल करके सिंचाई के काम में लाया जाए, आसपास की खेती में सब्जियां अच्छी हो सकती हैं, फलदार पेड़ हो सकते हैं, उस पानी का उपयोग किया जाए। तो ऐसे 14,000 के 14,000 तालाबों को हम ठीक करेंगे, और इसके लिए भी इस बार बजट के अंदर हमने एक विशेष प्रायोजन किया है। इस बार का बजट हम जो बना रहे हैं, लोगों से पूछ करके बना रहे हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्या समस्या है। हमने किसानों से अलग से मीटिंग की है, महिलाओं से अलग की है, व्यापारियों से अलग की है, उद्योगपतियों से अलग की है, सभी एमएलए के साथ बैठ के 3 दिन हमने मंथन किया, 1 दिन सांसदों के साथ बैठ के किया। अखबारें लिखती हैं, कह रही है वित्त मंत्री कैसा नया आ गया, आज तक तो ये कभी किसी ने किया नहीं था, ये हर किसी को पूछे जा रहा, इतना कर पाएंगे क्या। हमने कहा पूछ लेंगे, पूछेंगे तो बताए, पूछेंगे कितना खर्चा होता है, साथ में ये भी पूछेंगे बताओ भाई आमदन कहाँ से होनी है, क्योंकि तो आमदन खर्चा मिला करके करना है। अच्छी बात यह है, सब विधायकों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, और एक बड़ा सुझाव ये है कि भ्रष्टाचार अभी भी बहुत है, उसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि छोटा बड़ा भ्रष्टाचार अब उसको छोड़ेंगे नहीं, हर एक के नाक में, जो भ्रष्टाचारी आदमी उसके नाक में नकेल डालेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। और ये जो पहले भ्रष्टाचारी कभी होते थे जनता में, बहुत लोग एजेंट बन के काम करते थे, ये जो सरकारी एजेंट बन जाते थे, डिपार्टमेंट में घुस जाते थे, ऐसे सब लोगों को, इन धौड़ कपड़ियों को, जिसको सफेद धौड़े कपड़े मांड वाले लगा के चलते हैं दाएं बाएं करते हुए, इन सब के कपड़े फूटी पटकवा देंगे भैया, सबके कपड़े फूटी पटकवा देंगे। कुछ फसलें हमने किसानों के लिए सहायता दी है कि आपकी फसल मानो सब्जी की है, फलों फूलों की है, तो अगर बहुत कम दाम आपको मिलता है तो उसकी जो लागत है, उस लागत से अगर घाटा उसको पड़ता है तो घाटा सरकार देगी, फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा। भावांतर भरपाई योजना लागू करके हमने इसे 16 फसलें, जो 16 सब्जियां हैं, फल हैं, ये उसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि इसके लिए, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होती, इसका बीमा नहीं होता, तो इस घाटे का पैसा भी भावांतर भरपाई योजना के अंदर वो सरकार दे रही है। ऐसे ही खरीद, चाहे वो बाजरा है, चाहे सरसों है, इस इलाके की तो विशेष फसलें हैं ये, तो बाजरा सरसों भी सरकार पूरा खरीद रही है, एक एक दाना, इसमें भी किसी को घाटा नहीं होने देंगे, MSP पर सबका खरीदेंगे। एक छोटी सी शर्त हमने जरूर लगाई है कि हर किसान अपनी फसल को बोलने के बाद तुरंत उसको रजिस्टर कराए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कई उसमें गड़बड़े हो जाती हैं, हम तो अपने प्रांत के किसान का लेना चाहते हैं, जो रजिस्टर नहीं करेगा उसको कहा कि इसका खरीदना होगा, बाद में खरीदेंगे, पहले खरीदेंगे। जो अपने किसान का रजिस्टर किया हुआ, उसने अपने आ करके लिखवा दिया कि मेरी यह फसल बाजरा बोया है, गेहूं बोया है, धान बोया है, सरसों बोई है, जो कुछ बोया है उसमें लिखना चाहिए, ताकि मंडी में जाने के बाद खरीद के समय समस्या ना आए। हम लोगों में कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल दर्ज करवा दिया इस बार, जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। इतने सब लोगों ने दर्ज कराई, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने नहीं दर्ज कराई है, आज ही जा करके हर गांव में कंप्यूटर के लेके लोग बैठे हैं, हमारे जो सांझा सेवा केंद्र है, अटल सेवा केंद्र है, कंप्यूटर लेके बैठे, हमने कोई पैसा देना नहीं उनको, उनको सरकार पैसा देती है, और बल्कि किसान को तो सरकार पैसा देती है, जो दर्ज करवाएगा उस किसान को भी थोड़ा पैसा जरूर देंगे, 20-30 रुपया उसको भी मिल जाता है, इसलिए दर्ज कराना ना भूलें, सब जरूर दर्ज कराएं। जहां तक बिजली की बात है, कोई समय था हर मुख्यमंत्री 5 साल बाद जब चुनाव लड़ने जाता था तो वो कहता था हम आएंगे 24 घंटे बिजली लाएंगे, हम आएंगे 24 घंटे बिजली लाएंगे। भाइयों बहनों, 10 सरकारें पहले बनी हमारे आने से पहले, कोई 24 घंटे बिजली दे सका गांव में, कोई दे सका? आज आपके गांव में
मैं नहीं कहता कि सब में आ रही होगी, घंटा दो घंटा कम आती होगी, लेकिन अधिकांश गांव में आज हरियाणा में 4,470 गांव में या 75 गांव में 4,475 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है, 24 घंटे। अब तो बल्कि गांव के आदमी कहने लग गए, वो कहते हैं थोड़ी सी बिजली कम कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? बिल थोड़ा ज्यादा आने लग गया। हमने कहा भाई हम तो देंगे पूरी, अब कम लेनी हो तो अपने संभाल के रखो, अपना बटन बंद रखो, फालतू ना चलाओ। इसलिए जो फजूल खर्ची बिजली की वो भी बंद होने लग गई है। और आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, हमने बिजली जितनी जिसने मांगी सबको दी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो 5 साल पहले जितनी बिजली थी उस समय लोग कहते थे बिजली कम है मिलती नहीं है, आज बिजली उतनी है, हमने एक भी यूनिट बढ़ाया नहीं है, उसके बाद भी बिजली हमारे पास फालतू है। इसका मतलब लोगों ने फालतू जो खर्च करते थे, फजूली खर्च करते थे, वो बंद कर दिया। बिजली आज भी हमारे पास फालतू है, कमी नहीं है। अर्थात हमने लोगों को निवेदन किया, लोगों से मांग की है कि बिजली की बिल भरो, बिजली के डिफॉल्टर ना रहो। और मुझे खुशी है लोगों ने इस बात को माना है, आज हमारा डिफॉल्ट अमाउंट कम हो गया है। बिजली की 4 कंपनियां जो हमेशा में घाटे में रहती थी, चारों प्रॉफिट में आ गई है। अब हमने रेट भी कम कर दिया बिजली के, और आने वाले समय में और प्रॉफिट होगा तो और भी कम करेंगे। हमने न केवल घरों के रेट कम किए, बल्कि जो इंडस्ट्री है, MSME जिसको सूक्ष्म लघु उद्योग कहते हैं, उनका रेट जिनका 8.5 रुपए था उसका 4.75 रुपए कर दिया। और ऐसे ही किसानों के जो उद्योग हैं, जहाँ किसान खपत करते हैं, या किसानों के खेतों में कोई मधुमक्खी का अपना काम करता है, कोई खुम्बी का काम करता है, कोई मुर्गी पालन का काम करता है, ये जितने उद्योग हैं इनको भी 8.5 रुपए का बिजली का बिल आता था, अब इनका भी हमने 4.75 रुपए कर दिया कि किसान का जो उद्योग है वो फलना फूलना चाहिए। इसलिए हम कम भी कर रहे हैं, बिजली भी पूरी दे रहे हैं, कोई इसमें कमी नहीं आने देंगे। इसी प्रकार शहरों में भी, शहरों में हमने तय किया है कि LED की लाइट, ये LED की लाइट हमारे 84 शहर हैं, सभी 84 शहरों में आने वाले 2 वर्ष के अंदर सब जगह LED लाइट हो जाएगी, कोई शहर अब LED लाइट से बचेगा नहीं, किसी को भी कठिनाई आएगी नहीं, हर शहर के अंदर इसको ले जाने वाले हैं। काम बहुत है बढ़ाने के लिए, अगर मैं काम गिनाऊंगा तो बीच में लोग कहेंगे हमारी असली बात तो बोल ही नहीं रहे। तो भाइयों बहनों, आपके विधायकों ने बहुत से विषय अपने सामने रखे हैं, मैं उस नाते से कुछ बातें जो इन्होंने रखी हैं वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। पहली बात कि हर बार जब भी यहां आते हैं तो कहते हैं कि हमको इतने पैसे दे दो, हमारी ग्रांट दे दो, सरपंचों को ग्रांट दे दो, नगर पालिकाओं को ग्रांट दे दो। इस बार बजट में हमने तय किया है सबकी ग्रांट साल भर की फिक्स कर दी है, सबकी ग्रांट फिक्स कर दी है, अब किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल के बाद वो ग्रांट आनी शुरू हो जाएगी, साल भर हर महीने आएगी। साल से पहले अपने गांव का या अपने जिले का या अपने नगर पालिका नगर परिषद का पहले से बजट बना लें कि हमने इस साल में क्या क्या काम करना है। और अगर तुम्हारे पास ग्रांट कम पड़ती है तो मैंने ये भी कह दिया कि लोगों से जो वहाँ उद्योग लगे हुए हैं या वहाँ और इस तरह के काम हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के अपने आमदन को बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। हमने छूट दे दी है पंचायतों को, नगर निगमों को, नगर परिषदों को, जिला परिषदों को, पंचायत समितियों को कि इतना इतना पैसा आप लोगों से और इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से अपने गांव की सुविधाएं अपने आप खड़ी करने का, चाहे शहर हो चाहे गांव, उसको करना है। तो उस नाते से इन तीनों विधानसभाओं के लिए साल भर की जो ग्रांट है बांटने के बाद में, चाहे उसमें विधायक को देनी होगी, जिला परिषद चेयरमैन को देनी होगी, पंचायत सरपंच को देनी होगी, पंचायत समिति को देनी होगी, या फिर नगर पालिका नगर परिषद को देनी होगी, हर एक विधानसभा में 80-80 करोड़ रुपया साल की ग्रांट की मैं तय करता हूँ। हम सिस्टम बढ़ा देंगे, उस सिस्टम से अपने अपने काम कर लेना, साल में एक बार बैठ के तय करना कि हमने क्या करना है। और ये तो केवल जो नगर पालिका पंचायत है इनकी आएगी, इसमें अप्रैल से शुरू हो जाएगी, हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा, सारी इकट्ठी अप्रैल में नहीं आएगी, ध्यान रखना अप्रैल से मार्च तक आएगी,
अगर 80 करोड़ है तो हर जगह कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 5 करोड़, 10 करोड़ आते आते साल में 80 करोड़ पूरी हो जाएगी। ये व्यवस्था हमने बनाई है इस बार बजट। इसी प्रकार से आप लोगों ने कुछ और काम हमको बताए हैं, जैसे हथीन के विधानसभा में ये जो नई दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे है और KMP हाईवे, इसके साथ जो पलवल नू PWD रोड और मंडकोला रोड की सर्विस रोड बनानी है, इस सर्विस रोड के ऊपर 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वो 25 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करके और ये सारा बनाया जाएगा। एक छोटी सी बात इस साथ में जोड़ रहा हूं, वो इसलिए जोड़ रहा हूं, अगर बनवाना है तो वहां जो लोगों की जमीन है वो एक्वायर नहीं की जाएगी, आपको उन गांव के लोगों को तैयार करना होगा कि जो मार्केट रेट है उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो करना, कम नहीं करेंगे उससे ज्यादा करके वो आपको तैयार करने होंगे लोग, क्योंकि आजकल जमीन की एक्विशन ये हरियाणा में हमने बंद कर दी। ऐसे ही तीनों विधानसभाओं के हमारे विधायकों ने कुछ PWD की सड़कें बताई है, 25-26 सड़कें बताई है। हमने एक एक सड़क पर ना जाकर के ये कहा है कि आप इसमें से 15-15 करोड़ रुपए तीनों विधानसभाओं में 45 करोड़ रुपए की सड़कें आप हमको दे दो, जो जरूरी है उनको पूरा कर देंगे, बनवा देंगे। ये उससे अलग है जो पहले ग्रांट बताई है, 45 करोड़ रुपए ये अलग से ही और दे दिया। मार्केटिंग बोर्ड की भी 8 सड़कें हैं, वो 8 की 8 लगभग 12 करोड़ रुपया है, वो भी मंजूर की जाती है, उसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। पलवल विधानसभा गांव कुशक में नहर का पुल है, 5 करोड़ रुपया, और ऐसे ही भवाना में बाता स्कैप नहर के ऊपर, स्कैप नहर के ऊपर पुल है, 5 करोड़ रुपया अलग से, ये 10 करोड़ रुपया भी मंजूर किए जाते हैं। इसी प्रकार होटल में हसनपुर में PWD का रेस्ट हाउस ये बनाने के लिए भी 5 करोड़ रुपया मंजूर किए जाते हैं। पलवल में पलवल रजवाड़ा, पलवल शहर के बीचों बीच रजवा है, पलवल रजवा बीचों बीच निकलता पक्का करवाना, ग्रिल लगवाने की जरूरत है, इसमें 7.5 करोड़ रुपया ये भी मंजूर किया जाता है। पलवल होटल में गुलवाना उजीना ड्रेन्स चमेली नजदीक पुल का निर्माण कराया जाए, 5 करोड़ रुपया इसके मंजूर भी किया जाता है। अथीन में दुबारू माइनर, इसको पहले ड्रेन का रूप दिया गया था पिछली सरकार ने, तो इसको पूर्ण रूप से माइनर बनाने के लिए भी 2.5 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। बामनी खेड़ा ड्रेन को पक्का कराने के लिए भी 1.5 करोड़ रुपया। होटल के बेंगलतू में गोच्छी ड्रेन पर पुलिया, 1.2 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर। हथीन शहर में खेल स्टेडियम 7.5 एकड़ जमीन, इस पर भी एक छोटा स्टेडियम बनाया जाएगा, 1 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया जाता है। हथीन में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, इसको बनाने के लिए भी 8 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। हथीन का बड़ोली ये जो स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको अपग्रेड करके मॉडल संस्कृति स्कूल इसको बनाया जाएगा, और इसमें पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई होगी। ये पलवल का है, बड़ोली गांव बामनी खेड़ा, इसका जो गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल उसकी बिल्डिंग, उसकी मरम्मत के लिए 92 लाख रुपए मंजूर किए जाते हैं। गांव खांबी होटल PHC उसके हॉस्पिटल को 3 गांव को मिला करके और उसका जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनको मिला करके उसके ऊपर एक PHC, इस पर भी 3.5 करोड़ रुपया लगेगा, इसको मंजूर किया जाता है। पलवल हुड्डा सेक्टर 2 की सड़कें ये टूटी हैं, इनकी मरम्मत के लिए भी 2.5 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। एक पशु विज्ञान केंद्र, इसकी मांग है तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर सीकरी गांव में जो पहले से एक इंस्टीट्यूट है, ये लुआस को हम उसमें उसके अंडर ला रहे हैं, लुआस एक यूनिवर्सिटी है उसके अंडर, और उसी में पशु विज्ञान केंद्र, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पर है पलवल जिला और फरीदाबाद जिला, तो वहीं पर पशु विज्ञान केंद्र ये भी खोला जाएगा, ताकि यहाँ के अपने किसान बंधुओं को इसका लाभ हो सके। भाइयों बहनों, इस प्रकार से
अब मैंने हिसाब नहीं लगाया, लेकिन लगभग ये मुझे लगता है 300 करोड़ रुपए से ऊपर की घोषणाएं आज ये मैंने की है। और मैं समझता हूं विकास के कामों में हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर पीछे हटेंगे तो आप हटेंगे, आप हमको काम बताते जाइए। कुछ काम और भी आज बताए हैं अपने भाषणों में हमारे विधायकों ने, लेकिन वो चंडीगढ़ में विभागों से उनकी फिजिबिलिटी करा करके और जो जो काम फिजिबल होंगे कहीं अड़चन नहीं होगी, उन कामों को आपके यहाँ कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सब लोगों ने यहाँ बहुत प्रेम से प्यार से अब ये इलाका, ब्रिज का इलाका, पलवल का इलाका, भगवान कृष्ण का इलाका, और जो कृष्ण की होरी रे होरी, यहाँ की होली, ब्रिज की होली में पिछली बार गया था नंदगांव बरसाने, तो नंदगांव बरसाने की होली का दृश्य उनको याद आता है। तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई। होली का हुड़दंग न्यारा रे, भारत देश हमारा रे, भारत माता की जय।